तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो 70.5 अपडेट भी आ चुका है और जल्दी 70.6 अपडेट भी आने वाला है। तो अभी तक PUBG मोबाइल और BGMI लैग कभी भी कम नहीं होगा। तो यार बहुत सारे इश्यूज है PUBG मोबाइल और BGMI के, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज नहीं है और खासकर एंड्रॉइड आईफोन के लिए। तो इस वाली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने आईफोन का लैग फिक्स कर सकते हो। तो अगर आप लोग अपना लैग फिक्स परमानेंट करवाना चाहते हो तो इस चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना मोटिवेशन के लिए, ताकि फ्यूचर में आप लोग को ऐसी मजीद वीडियोस मिल सके। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें लैग के हवाले, लैग फिक्स के हवाले से वीडियोस हैं। तो ये वाली वीडियो जो है वो थर्ड पार्ट होने वाला है। तो पिछली दो वीडियोस में मैंने आप लोग को सेटिंग्स भी बताई हैं और इसमें अब सेटिंग्स भी बताने वाला हूँ और टिप्स भी देने वाला हूँ। अब ये वाली जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं 3-4 महीनों से खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, तो लोगों से भी करवाई है, ये यूज़फुल है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, हम लोग लैग 100% तो सॉल्व नहीं कर सकते, उसका 50% या 60% तो हम लोग कर सकते हैं, बाकी जो है पबजी मोबाइल वाले ख़ुद उसको अपडेट ला के सॉल्व कर सकते हैं। तो यार मैं आप लोग को 3 सेटिंग्स बताने वाला हूँ आईफोन की, सेटिंग्स में आप लोगों को करनी है, और 4 जो है वो टिप्स मैं देने वाला हूँ आप लोग को, जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है। तो चलते हैं, बात करते हैं फर्स्ट नंबर वाली सेटिंग पे। तो आप लोग साइड पे वीडियो देख के पॉज करके आप लोग सेटिंग्स भी करते जाओ देखते देखते। तो सबसे पहले जो आप लोग ने गाइस आ जाना है सेटिंग में, उसके बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आना है प्राइवेसी सिक्योरिटी में। प्राइवेसी सिक्योरिटी जो कि है बैटरी के नीचे है। प्राइवेसी सिक्योरिटी के अंदर आने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऊपर ऊपर देखिएगा लोकेशन सर्विसेज का, तो इसको आप लोगों ने ऑफ कर देना है, ये ऑन होगा। तो गाइस सच बताऊँ ना, तो ये जब भी ऑन होता है ना तो मैं गेम खेलता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलता है और फ्रेम ड्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इवेंट पर। तो ये फ्रेम ड्रॉप्स क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोग जो ऐप यूज़ नहीं करते तो सारी ऐप्स जो हैं वो लोकेशन सर्विसेज मांग रही होती हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ऑफ कर देना है, ये 24 घंटे लोकेशन मांगती रहती है। तो हमारी सेकंड नंबर सेटिंग के लिए आप लोगों ने सबसे पहले सेटिंग में जाना है आईफोन की। तो सेटिंग ओपन करने के बाद आप लोग ने यहाँ पे जनरल में आ जाना है। जनरल में आने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आईफोन स्टोरेज के नीचे आप लोग को दिखेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। तो ये आप लोग को होगा नेट पे होगा, वाईफाई पे होगा, तो आप लोगों ने किसी पे नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसको कर देना है ऑफ। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होगा कि भाई इससे व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन बंद हो जाएगी, फेसबुक की, तो ऐसा मेरे भाई कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपके बैकग्राउंड में जो एक्टिविटी हो रही थी ना वो बंद हो जाएगी। तो थर्ड वाली सेटिंग के लिए आप लोग ने फिर से अपने आईफोन की सेटिंग में आ जाना है। तो आप लोग सेटिंग में फिर से आएंगे तो नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, फिर से उसी में आएंगे इस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, जिस जहाँ से आप लोग लोकेशन ने ऑफ किया था। उसके बाद नीचे आएंगे शेयर माय लोकेशन पे, तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा फाइंड माय आईफोन, तो ये ऑन होगा, इसको आप लोगों ने ऑफ कर देना है। यहाँ पे एप्पल आई डी का पासवर्ड पूछ रहे तो वह लगा के आप लोग इसको ऑफ कर देना है। तो मैं पासवर्ड लगा के यहाँ पे इसको कर देता हूँ ऑफ। वैसे यार इसको ऑफ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तो ट्रस्ट मी गाइज, मैंने खुद इसको यूज़ किया है, इससे सच में यार लैग कम होता है। तो गाइज वैसे मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, जब आपका फ़ोन लैग हो ना तब इसको ऑफ करना, वरना ऑन ही रहने देना, क्योंकि जैसे ही आपका फ़ोन जब गुम होता है ना तो इसकी मदद से आप लोग अपने फ़ोन को वापस से ढूंढ सकते हो। तो गाइज ये थी 3 टिप्स जो कि सही में वर्क कर रही हैं ऑल वर्जन में आईफोन iOS के। तो iOS 16 में वर्क कर रही थी और iOS 17.5 में वर्क कर रही हैं। तो चलते हैं अब हम उन 4 टिप्स के बारे में बात करते हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना ही करना है। तो हमारी फर्स्ट नंबर जो टिप ये है कि जब भी आपका PUBG का या BGMI का अपडेट आए तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको अपडेट नहीं करना। 3.1 अपडेट आए या 3.2 अपडेट या फिर 3.3 अपडेट आए तो आप लोगों ने उसको डिलीट करके फिर से यहाँ पे डाउनलोड करना है PUBG को, अपडेट नहीं करना। और फिर डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना है एक बार से, और उसके बाद कम रिसोर्स डाउनलोड करना, जो आपके काम के कपड़े जो हैं, ये मैप्स जो आप लोग खेलते हो सिर्फ वही डाउनलोड करें। तो सेकंड नंबर हमारी टिप ये है कि आप लोग ने पावर सेविंग मोड और उसके बाद गाइडलाइन एक्सेस, इन दोनों को ऑन नहीं करना। तो पहले जब ऐसा होता था कि जब हम लोग गाइडलाइन एक्सेस और पावर सेविंग मोड को ऑन करते थे तो लैग हमारा नहीं होता था, मतलब 1 साल पहले 2 साल पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने 50-60 मैचों में ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है इस चीज़ को आजमा के, तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो गाइडलाइन एक्सेस के बगैर नहीं खेल सकते, तो पहले मैं भी नहीं खेलना आता था मुझे गाइडलाइन एक्सेस के बगैर, लेकिन मैंने 1-2 मंथ ट्राई किया तो उसके बाद अब मैं ऐसे ही खेलता हूँ बगैर गाइडलाइन एक्सेस के। तो हमारी थर्ड नंबर टिप ये है कि अगर कि आप लोग की आईफोन की बैटरी 80 से नीचे है तो
तो अगर क्या आप लोग की एटी से बैटरी आईफोन की नीचे है तो चेंज करवा लो, चाहे लोकली लगवा लो। तो बैटरी जब आप लोग चेंज करवाते हो तो उसकी परफॉर्मेंस जो है बढ़ती है, तो ओरिजिनल बैटरी लगाओगे तो और भी अच्छा है। तो ये थी हमारी टिप नंबर 3। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। तो ये जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग ने सारी टिप्स को फॉलो भी कर ली और सेटिंग्स भी कर ली तो ये टिप नहीं की तो आप लोग का लैग शायद ही कम ना हो। लैग का जो मेन रीज़न है वो है हीटिंग। अगर के हीटिंग आपका फ़ोन करेगा तो काफ़ी ज़्यादा लैग भी करेगा। तो हीटिंग को ख़त्म करने के लिए आप लोग को एक गेमिंग कूलिंग फ़ैन लेना पड़ेगा। तो इस पर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि कौन सा गेमिंग कूलिंग फ़ैन आप लोग को लेना चाहिए, तो वो भी आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 2K सब्सक्राइबर्स पे बहुत करीब है हम लोग। तो बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।